थी बीसीडी और माइसिटीज पे, तो इससे भी वही क्वेश्चंस जो सी में कि इस पे पहले पूछ लेते हैं कि कॉमनली किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम बहुत नामों से जानते हैं। इसको हम, ये तो पहला है मशरूम, मशरूम फंजाई, मशरूम फंजाई के भी नाम से जानते हैं। दूसरा हम इसको जानते हैं पफ बॉल, पफ बॉल। तीसरा हम इसको जानते हैं ब्रैकेट फंजाई के नाम से, ब्रैकेट फंजाई। ठीक है, इस पे तो क्वेश्चन आता रहता है। एक क्वेश्चन इस पे भी आता है नीट में, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। इसको हम बर्ड नेस्ट फंजाई के भी नाम से जानते हैं, बर्ड नेस्ट फंजाई। ठीक है, तो इन चारों के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, तो इन चारों पे क्वेश्चन आया है, इसको आप देख लीजिएगा। बात करते हैं इसकी एग्जांपल्स की, ट्रिक बता रहा हूँ इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स क्या क्या है? इसकी एग्जांपल है पक्सीनिया, पक्सीनिया, सीनिया। फिर है स्टिलागो, स्टिलागो, स्टिलागो। ठीक है, और फिर है एगेरिकस, 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 एगेरिकस। ठीक है, ये तीन एग्जांपल है। पक्सीनिया को हम किस नाम से कॉमनली किस नाम से बोलते हैं? पक्सीनिया का दूसरा नाम क्या है? पक्सीनिया का दूसरा नाम है रस्ट। ठीक है, स्टिलागो का दूसरा नाम क्या है? स्मस्ट, स्मस्ट। और एगेरिस को हम मशरूम बोलते हैं, मशरूम। ठीक है, तो मैं इसको याद कैसे करता हूँ? मैं बेसिडियोमाइसिटिस के एग्जांपल को ऐसे याद करता हूँ। आपने पूसा का तो नाम सुना होगा, पूसा इंस्टीट्यूट है ना, सब बच्चों ने सुना होगा, खेती वगैरह रिसर्च होती है वहां पे। तो इसको मैं ऐसे याद करता हूँ, पूसा, पी, पी से क्या निकालता हूँ मैं? पी से पक्सीनिया निकालता हूँ। ठीक है, यूएस, यूएस से क्या निकालता हूँ? यू से निकालता हूँ यूस्टिलागो, एस से निकालता हूँ स्मस, स्टिलागो और स्मस फंजाई होती है। और एगेरिकस, एगेरिकस ए से एगेरिकस निकालता हूँ। तो इसको मैं ऐसे याद करता हूँ, पूसा, पी से पक्सीनिया, यूएस, यू से स्टिलागो, स्टिलागो कौन सी फंजाई होती है जी? किस नाम से बोलते हैं? स्मस के नाम से बोलते हैं। और ऐसे एगेरिकस, इसको मैं ऐसे याद करता हूँ। अब देखो, आपको जब स्मस याद हो गया तो आपको रस तो याद ही हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों की मैंने ट्रिक बता दी। जब पक्सीनिया, स्मस, स्टिलागो और एगेरिकस, इनको जब मैंने बता दिया तो आप रस तो याद ही कर सकते हो। ठीक है, पक्सीनिया, स्टिलागो, एगेरिकस। बीट रस काउस करता है पक्सीनिया, ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन आता है इससे, बस इसमें यही है। और इस पे भी क्वेश्चन आता है, मशरूम, पफ बॉल, ब्रैकेट फंजाई। तो देखो, बी से बी थोड़ा आपको रिलेट करना पड़ेगा आपको, नहीं तो इसकी मैं अच्छे से, बहुत अच्छे से इसकी ट्रिक में आपको नेक्स्ट सेगमेंट में बताऊंगा। अब बात आती है ड्यूट्रोमाइसिटीज की। ठीक है, तो अब मैं ड्यूट्रोमाइसिटीज पे आ जाता हूँ। हाँ, तो अब बात आती है अपनी ड्यूट्रोमाइसिटीज पे, उसको कैसे याद करते हैं उसकी ट्रिक में बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि इसको कॉमनली किस नाम से जानते हैं। तो कॉमनली जो हम, कॉमनली जिस नाम से जानते हैं इसको, कॉमनली नाम के एन डब्ल्यू, इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से भी जानते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? इसके एग्जांपल्स है अल्टरनेरिया, 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 और फिर है ट्राइकोडर्मा, फिर है कॉलिट्रिकम, 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 फिर है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। तो इन सबको मैं कैसे याद रखता हूँ इसकी ट्रिक में बताता हूँ। इन सबको मैं ऐसे याद रखता हूँ, ड्यू इम्पोर्टेंट है अल्टरनेट, अल्टरनेट कॉल ट्राई करो, इसको मैं ऐसे याद करता हूँ। ड्यू, ड्यू से क्या निकाल सकता हूँ मैं? ड्यू से मैंने निकाला है, हाँ, तो ड्यू से मैं क्या निकाल सकता हूँ? ड्यू, ड्यू से ड्यूट्रोमाइसिटीज। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट से क्या निकाल सकता हूँ मैं? इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई। अल्टरनेट कॉल ट्राई करो, अल्टरनेट से
अल्टरनेरिया, कॉल, कॉल से क्या निकाला, कॉलिट्रिकम, ट्राई, ट्राई से क्या निकाला, ट्राइकोडर्मा, ठीक है, इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ, व्यू इंपोर्टेंट है, अल्टरनेट हॉल ट्राई करो। और अगर ये एग्जांपल, और दूसरा तरीका है इसको याद करने का, एक टीएसी, टैक नाम का बैक्टीरिया है, टैक नाम का बैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा 12th के बच्चों ने, उनको पता चल गया होगा, तो उसको ऐसे भी याद कर सकते हो। तो जो आपको बेस्ट लगे वैसे याद करो। अब आते हैं नीट पे जो क्वेश्चन है, तो अब मैं नीट के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, तो मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ। तो ये जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन आया है नीट 2016 का क्वेश्चन है, पूछ रहा है वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज, तो मेजर कंपोनेंट पूछा है। तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी, फंजाई की सेल वॉल की क्या ट्रिक थी, चाइना पुलिस पन्नी है, तो चाइना काइटिन और पुलिस से पॉलीसेक्राइड, पन्नी पन्नी मतलब फंजाई, तो चाइना पुलिस यानी काइटिन और पॉलीसेक्राइड। तो इसमें हमें देखो क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी हेमी सेलुलोज, ऑप्शन सी काइटिन, ऑप्शन डी पेप्टिडो ग्लाइकोजन। तो ऑप्शन सी काइटिन, तो ऑप्शन क्या जाएगा सी, क्योंकि काइटिन दे रखा है, तो आंसर जाएगा सी। अगर इसमें क्वेश्चन में होता ऑप्शन सी में काइटिन प्लस पॉलीसेक्राइड तो दोनों ही जाता, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब मैं आता हूँ फाइकोमाइसिटीज की क्लासेस पे और उसकी ट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है आपको, तो चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ए ए आई पी एम टी 2015 का है, इसमें पूछा है द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग बिलोंग टू। तो मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई थी, ड्यू इंपोर्टेंट है, अल्टरनेट कॉल ट्राई करो। तो इम्परफेक्ट फंजाई कौन सी हो गई, ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो ट्रिक से ये क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड का है। जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये ए पी एम टी 2015 का क्वेश्चन है, पूछ रहा है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे आपको 4 तरीके के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो ऑप्शन ए, मॉरल्स एंड ट्रबल्स आर पॉइजनस मशरूम, तो ये ऑप्शन जो है गलत है, इसकी क्यों गलत है इसकी बात मैं बाद में करता हूँ। ऑप्शन बी, ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, तो ईस्ट तो भाई यूनिसेलुलर फंजाई है, मैंने आपको बता ही दिया था, और फर्मेंटेशन के लिए यूज होता है, फर्मेंटेशन का मतलब है कि बियर वगैरह बनाने के लिए फर्मेंटेशन अल्कोहल के लिए यूज होता है। सी, पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था कि पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर फंजाई होती है और एंटीबायोटिक फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलियम है, तो इससे एंटीबायोटिक निकलती है, ठीक है। ऑप्शन डी, न्यूरोस्पोरा यूज इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स के लिए, तो ऑप्शन डी भी सही है, मैंने बताया था कि न्यूरोस्पोरा जो है बायोकेमिकल जेनेटिक्स के लिए यूज होती है। अब ऑप्शन ए पे आ जाते हैं, तो ऑप्शन ए दे रखा है मॉरल एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, नहीं, मॉरल और ट्रफल जो है एडिबल मशरूम है, ये एस्कोमाइसिटीज की लास्ट लाइन है, अगर आपको दिख रहा है। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, उसमें एक टेबल दे रखा है क्वेश्चन में और पूछ रहा है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ट्रिक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और दूसरा चीज है कि थोड़ा आपको दिमाग स्किल्स खुला रखना है इससे, क्योंकि आपको मल्टीपल चीजें गेन होती है। तो ऑप्शन ए देखिए, म्यूक्योर जो है बी कॉलम में दे रखा है रिप्रोडक्शन बाई कंजुगेशन और एस्कोमाइसिटीज, तो मिक्योर कौन सा पहले देखिए, कौन सी उसका एग्जाम्पल है, कौन सी क्लासेस का एग्जाम्पल है, तो मिक्योर फिजिक्स में सब मूर्ख, फिजिक्स में ऑल मूर्ख, तो मिक्योर तो भाई फाइकोमाइसिटीज का है, तो ये ऑप्शन गलत है, हमें यहीं से पता लग जाता है। बी, अगेरिकस जो है पैरासिटिक फंगस है बेसिडियोमाइसिटीज में है, तो अगेरिकस जो है पैरासिटिक फंगस है बेसिडियोमाइसिटीज में, तो पहले देखते हैं अगेरिकस किस में आता है। तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी, पूसा, पक्सिनिया स्टिलागो स्मस और एगेरिकस जो है, एगेरिकस का मतलब मशरूम, तो बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं। तो बी तो ठीक कह रहा है, लेकिन आपने कहीं एनसीईआरटी में पढ़ा है कि पैरासिटिक फंगस जो है एगेरिकस है, नहीं ना, बेसिडियोमाइसिटीज में कहीं नहीं पढ़ा, हमने तो एल्बुगो पढ़ा था कि एल्बुगो जो है पैरासिटिक फंगस है। तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा क्वेश्चंस को, तो अभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अब बात आती है सी, तो बी भी गलत है। सी, फाइटोट्रोफा ए सेपरेट माइसीलियम बेसिडियोमाइसिटीज, तो फाइटोट्रोफा बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल कह रहा है, तो आपने वही बात है फिर, बेसिडियोमाइसिटीज में आपने कोई एग्जाम्पल ऐसा देखा है फाइटोट्रोफा का, तो नहीं देखा,
तो हम एनसीईआरटी को ही लेके चलेंगे, तो सी भी गलत है। अब बात आती है डी, अल्टरनेलिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो अब चेक करते हैं अल्टरनेलिया पहले ड्यूट्रोमाइसिटीज में आता है, तो ड्यू इम्पोर्टेंट है अल्टरनेट कॉल ट्राई करें। तो हाँ ड्यू इम्पोर्टेंट है अल्टरनेट कॉल ट्राई करें, तो हमें पता लगता है कि ड्यूट्रोमाइसिटीज में इम्परफेक्ट फंजाई अल्टरनेरिया कॉलिट्रिकम ट्राइकोडर्मा, तो अल्टरनेरिया आता है। तो इम्परफेक्ट फंजाई वो होती है जिसमें रिप्रोडक्शन जो है एबसेंट होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एबसेंट है, तो ऑप्शन क्या जाएगा डी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा स्किल से करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाती है। ये क्वेश्चन जो है 2013 में आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंजाई। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि दे लेकर रिजिड सेल वॉल, फंजाई में क्या सेल वॉल नहीं होती है? फंजाई में तो सेल वॉल होती है, काइटिन प्लस पॉलीसेक्राइड की चाइना पुलिस पानी है, तो ये तो गलत हो गया। फंजाई दे आर हेटरोट्रॉप्स, फंजाई हेटरोट्रॉप्स होते हैं, हाँ जी फंजाई हेटरोट्रॉप्स होते हैं, तो बी सही है। तो आंसर क्या जाएगा इसका, बी। फिर ऑप्शन सी दे रखा है दे लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो फंजाई में भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होता है क्योंकि प्रोटिस्टा सॉरी प्रोकार्योटिक जो है उनमें नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, बाकी यूकार्योटिक में तो होता है। ऑप्शन डी दे आर फैगेटोट्रॉप्स, तो ऑप्शन डी भी गलत है, फैगेटोट्रॉप्स नहीं होते फंजाई, तो ऑप्शन बी हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ये सही है।